दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने बीच रास्ते में चंद्रयान 3 के साथ ऐसा खेल खेल डाला कि पूरा नासा हिल गया है, पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने अचानक चंद्रयान 3 के रास्ते को बदल डाला है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? दोस्तों, इसरो ही नहीं नासा भी जी जान से जुटा हुआ है कि चंद्रयान 3 100% सफल हो जाए, इसलिए नासा चंद्रयान 3 की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं इसरो बेंगलुरु में टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 के हर मोमेंट पर नजर रख रहा है। इसी बीच इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर ऐसी बड़ी और हैरान करने वाली खबर दी है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आगे आपको सारी जानकारी डिटेल में बताने वाला हूँ, उससे पहले जान लेते हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने बीच रास्ते में ऐसा कौन सा खेल खेल डाला है कि नासा को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों, बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की पहली, दूसरी और तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग को पूरा कर लिया है। एक के बाद एक ऑर्बिट को बदला जा रहा है। चंद्रयान 3 गोलाकार अर्थ ऑर्बिट में चक्कर न लगाकर अंडाकार अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, क्योंकि अगर गोलाकार अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाता तो एक ही जगह घूमता रहता और चांद तक कभी न पहुंच पाता। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का चक्कर अंडाकार अर्थ ऑर्बिट में लगवा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में चंद्रयान 3 173 किलोमीटर की पेरोजी और 31,650 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा था, जिसकी एपोजी को 15 जुलाई की दोपहर बदलकर 31,762 किलोमीटर किया गया था। दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में इसकी नजदीकी दूरी यानी 173 किलोमीटर को बढ़ाकर 220 किलोमीटर के आसपास किया गया था। इस दौरान चंद्रयान 3 के इंजनों को 42 सेकंड तक चालू किया गया था। जी हां दोस्तों, 42 सेकंड में इसरो ने बड़ा खेल खेल डाला है। ये सुनकर चीन भी हक्का बक्का हो गया था। और दोस्तों, बता दें, अभी खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 का तीसरा ऑर्बिट मैनूवर किया गया है। अब चंद्रयान 3 तीसरे ऑर्बिट में चला गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की तीसरी ऑर्बिट को सफलतापूर्वक बदल दिया है और इस समय चंद्रयान 3 पूरी तरह से नॉर्मल कंडीशन में पूरे उमंग और एनर्जी के साथ चांद फतेह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब सिर्फ दो ही ऑर्बिट मैन्यूवरिंग बची हुई है, चौथी और पांचवी। उसके बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी को छोड़कर चांद के ऑर्बिट में इंटर कर जाएगा। दोस्तों, पेरोजी का मतलब होता है धरती की सतह से कम दूरी और वहीं एपोजी का मतलब होता है धरती की सतह से ज्यादा दूरी। अब बचे चौथे और पांचवे ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी ही बदला जाएगा। इस तरह चंद्रयान 3 अर्थ से दूर होता जाएगा और अर्थ ऑर्बिट से निकलकर चांद के करीब पहुंच जाएगा। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी ऑर्बिट से रिलेटेड डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो धरती से करीब 1,00,000 किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। यहां पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिक एक स्लिंग शॉट में चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इंसर्शन में ढकेल देंगे, यानी चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाली सोलर ऑर्बिट। 5 दिन बाद लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद यानी 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान 3 के प्रोपल्सर सिस्टम को ऑन किया जाएगा, उसे आगे की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी ऑर्बिट में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्सर सिस्टम चंद्रयान 3 से लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। प्रोपल्सर मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर में चंद्रमा की 100 किलोमीटर यानी एपोजी और 30 किलोमीटर पेरोजी वाली ऑर्बिट में लाया जाएगा। इसके लिए डीप बूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। ये काम 23 अगस्त को होगा। यहीं पर इसरो वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी, क्योंकि ये होगा सबसे कठिन काम। यहीं पर इसरो को बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। यही वो जगह है जहां चंद्रयान 2 भी अपना दम तोड़ दिया था, हार मान गया था। इसरो को बड़े सूझबूझ से अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग प्रक्रिया। फिलहाल इसरो ने इसके लिए बड़े इंतजाम किए हैं। 1% की चूक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नए सोलर पैनल्स लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट का एरिया कम रखा गया था, लेकिन इस बार लैंडिंग साइट का एरिया ज्यादा रखा गया है। यहां तक कि अगर टारगेट लैंडिंग साइट में कोई दिक्कत होती है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग दूसरी जगह भी हो सकती है। लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त रखी
की गई है जो कि काफी लंबा समय होता है, 40 से 42 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतरेगा। इसरो चाहता तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग 4 दिन में ही करा लेता। देखा जाए तो नासा अपने स्पेसशिप को चांद पर 4 दिन से हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है, भारत इसके बजाय 40 से 42 दिन लेता है। इसके पीछे वजह है कि धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे स्पेस में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं। इसरो के पास अभी नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के ऑर्बिट में भेज सके। बता दें चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं, चांद की मिट्टी का स्टडी भी करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चोंगी 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। इस मिशन के पीछे भारत का क्या मकसद है तो बता दें, इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LBM-3M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LBM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LBM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहता है। LBM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लांड लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा जा रहा है? बता दें चांद के सोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं। यहाँ पर कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, चंद्रमा के साउथ पोल के पास 70 डिग्री अक्षांश पर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन क्यों? इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। 14 दिन का ही मिशन क्यों होगा तो बता दें, चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि चंद्रयान 3 100% सफल हो जाए। तो दोस्तों जय हिंद, जय